धर्म का कभी नाश होता नहीं, और जब धर्म का नाश हो जाएगा तो ये सृष्टि भी रहेगी। इसलिए धर्म का नाश नहीं, फिर क्या होता है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानी शब्द भगवान ने यहां पर प्रयोग किया। ग्लानी शब्द का अर्थ है जब लोगों की धर्म से रुचि घटने लगती है, न्यून हो जाती है, कम हो जाती है, संसार में रुचि ज्यादा बढ़ जाती है, धर्म में उनकी रुचि कम हो जाती है। और ऐसे आप करो कि हमारी रुचि कम हुई, आपकी रुचि कम हुई, यानी पूरे विश्व में जब देखते हैं सबकी रुचि कम होती जाती है, तो धर्म कम रह जाता, कम दिखता है। मान लीजिए 100 में से ऐसे 99 लोग हैं जिनमें धर्म की रुचि बहुत, और एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसमें धर्म की रुचि, तो वो धर्म दबा हुआ दिखता है। धर्म तो है लेकिन वो दबा हुआ है, आच्छादित। तो वेदव्यास जी ने देखा कि अब कलयुग का इस तरह का है तो ये धर्म का नाश हो रहा है, यानी धर्म में लोगों की रुचि नहीं। अब धर्म में लोगों की रुचि कैसे हो, लोगों की भलाई कैसे हो, ये संत सोचा करते हैं। संत कल्याण स्वरूप हैं। और संत ऐसा क्यों सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि उन्होंने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, अपना कल्याण उन्होंने किसी गुरु की सन्निधि में रहकर प्राप्त कर लिया, परमात्मा की सन्निधि में जाकर प्राप्त कर लिया, वो स्वरूप को प्राप्त उन्हें बोध हो गया, आत्म कल्याण हो गया। जब हम सबको, आप सबको देखते हैं, हम भी वही मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी वही परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा है, तब संत कहते हैं हाय रे हाय, ये रो रहा है, परेशान हो रहा है, त्राहि माम कर रहा है, तो उनके मन में दया आ गई, काश ये भी मेरी तरह जैसे मुझे मेरे गुरु ने स्वरूप का बोध करा दिया, वैसे इसको भी इसके स्वरूप का इसे बोध हो जाए। आपका भी हृदय जब ऐसा हो जाएगा आपको भी दया आने लगेगी। ये स्वरूप बोध की करामात है, आत्मबोध की ये करामात है, आत्मबोध का ये स्वरूप है कि हृदय में दया का आ जाना, निश्चल हो जाना, निष्कपट हो जाना, निर्मल हो जाना, अकारण करुणा की भावना पैदा हो जाना, ये स्वरूप बोधा की पहचान है। जैसे ही आपके हृदय में ये स्वरूप बोध पैदा होगा, ऐसे लक्षण, तब समझ लेना कि मुझे स्वरूप का बोध हो रहा है, मुझे आत्मज्ञान हो रहा है, मुझे परमात्मा की उस दिव्यता का बोध मेरे हृदय में अब ये पनपने लगा है, पौधा वो उगने लगा है। तो परमात्मा संतों को इसलिए दया आती है कि देखो मेरे जैसा ही ये भी है, इसके अंदर भी वही परमात्मा विराजमान आत्मा की, अगर ये थोड़ा सा प्रयास करेगा तो वो जो मुझे मिला है वो इसको भी मिल जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो वेद व्यास को ये चिंता हुई कि ये इस परिस्थिति में सबकी भलाई कैसे हो और इसके लिए मैं क्या करूं। तो वेद व्यास जी ने कहा ये वेद इतने बड़ा है, ग्रंथ है, लेकिन भगवान की वाणी है, अपौरुषेय है, इतने बड़े पोथन्ने को लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए वेद व्यास जी ने वेदों के चार भाग कर दिए। इसे कहते हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सकुलवेद, ऋग्वेद, चार वेद। फिर भी लोगों का जब देखा वेद व्यास जी ने कल्याण नहीं हो पा रहा, तब उन्होंने इतिहासों की रचना की, पुराणों की रचना की वेद व्यास जी, और भिन्न भिन्न अपने जो शिष्य थे, जैमिनी जैसे वेद व्यास जी के शिष्य थे, तो उन शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया। जैसे साधु लोग होते हैं गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त करके फिर दूसरी जगह वो प्रचार और प्रसार करते हैं, हमारे आचार्य श्रीचंद जी ने मात्रा में इस बात का संकेत दिया, चेतो नगरी तारो गांव अलग पुरख का सिमरो नाम। अपने शिष्यों को उपदेश किया, उस आत्मविद्या का बोध दिया, योग का ज्ञान कराया, सनातन धर्म। देखो आचार्य श्रीचंद ने कोई अलग से सिद्धांत नहीं की लिखा, अन्य आचार्यों के भिन्न भिन्न सिद्धांत प्राप्त होते हैं, अद्वैत मत सिद्धांत शंकराचार्य आदि का, वो पुण्य उसको किया, फलवती आगे बढ़ाया, फिर उसमें द्वैत आया, अद्वैत आया, शुद्धाद्वैत आया, विशुद्धाद्वैत आया, अनेक सिद्धांत आए, अनेक ऋषियों ने आचार्यों ने सिद्धांतों को लिखा। लेकिन हमारे आचार्य श्रीचंद जी ने उस समय जो काल चल रहा था, मुगल काल चल रहा था, उन्होंने सोचा कि सिद्धांत तो हमारे महापुरुषों ने लिख दिए हैं और हम सिद्धांत ही लिखते रहेंगे तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। उन्होंने सारे समाज को एकत्रित करने के लिए, और उस समय सारा समाज बटा हुआ था, शाक्त आपस में लड़ रहे, शैव आपस में लड़ रहे,
जो गाढ़पत गणेश को मारने वाले और नलरत्न जो विष्णु को मारने सबों में आपस में खींचातानी मची हुई थी। तो आचार्य श्री चंद्र सोरा के समय की पुकार ये है कि हम संगठित समाज को कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने सनातन धर्म के जो प्रामाणिक ग्रंथ है उन्हीं की परिपुष्टि की और उन्हीं का उदाहरण प्रस्तुत किया। और आचार्य श्री चंद्र जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको अगर देवी का मंत्र चाहिए तो मैं दे दूंगा, शिव का मंत्र चाहिए मैं दे दूंगा, राम का मंत्र चाहिए बोले मैं दे दूंगा, एक ही मंत्र में तुम्हें नहीं बांधूंगा, तुम्हें जिस देवता का मंत्र चाहिए मैं अकेला तुम्हें दे दूंगा। और यही हुआ, सबको आचार्य श्री चंद्र ने मुगल काल में उसको सबको संगठित किया और अपने जितने भी हमारे वेद हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके सामने, ग्रंथ तो बहुत हैं समाज में, लेकिन प्रामाणिक ग्रंथ इसलिए कहा जा रहा है जहाँ विद्वानों की सभा होती है, जो शास्त्रीय विद्वान हैं, उपनिषद वेद वेदांगों को जानने वाले हैं, व्याकरण इत्यादियों को इनको सबको जानने वाले हैं, षट शास्त्रों का जिनको ज्ञान है, ऐसे विद्वानों का जो शास्त्रार्थ होता है मंच पर विद्वानों का, तब प्रामाणिक ग्रंथों का ही उदाहरण मान्य माना जाता है, आम ग्रंथों का वहाँ प्रमाण मान्य नहीं होता, इसलिए प्रामाणिक ग्रंथों की हमारे यहाँ महत्वता है। वैसे तो बहुत गली गली में आप देखते हैं शास्त्र हैं, अनेक धर्म हैं, आदमी उलझन में फंस जाता है किस धर्म में हम जाएं किस में नहीं जाते। कुछ धर्म तो ऐसे हैं वो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई ऐसा उदाहरण दे देते हैं कि अगर आप जमीन में गेहूं बोइए तो गेहूं पैदा होगा, ठीक है मान लिया, लेकिन वो आत्मा के लिए भी यही कह देते हैं, लेकिन आत्मा को वो समझते नहीं, आत्मा तो चैतन्य है हमारा, हमारा जो भी जन्म होता है कर्मों के अनुसार होता है, स्त्री पुरुष का भी जो जन्म होता है कर्मों के अनुसार, हमारे शास्त्र इसके प्रमाण है, भागवत इसका प्रमाण है, लेकिन कुछ धर्म है उनका नाम नहीं लेता लेना चाहता वो ऐसा, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिस जनता को आध्यात्मिक शास्त्रों का बोध नहीं है जिन लोगों को, वो उसकी उलझन में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो शिव में और शंकर में भेद बता देते हैं, शिव में और शंकर में भेद बताते हैं, जब भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, सब कुछ मेरा दिव्य है, भगवान का ये शरीर भी दिव्य है, भगवान के केश भी दिव्य हैं, भगवान के आभूषण भी दिव्य हैं, भगवान का सब कुछ है, हमारी तरह परमात्मा पंचतत्व के नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, गुणातीत है परमात्मा, परमात्मा दिव्य है, भगवान का सब कुछ दिव्य है, तो शंकर में और शिव में अंतर कैसे हो सकता है, पर उन्हें आध्यात्म ज्ञान, क्योंकि उनका कोई शास्त्र आधार है ही नहीं, ये मनगढ़ंत धर्म है, और लोग हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथों का जिन्हें ज्ञान नहीं है वो फंसते चले जाते हैं बेचारे, उसमें जाल में आ जाते हैं, इसलिए प्रामाणिक ग्रंथों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं जिनके विद्वान समाज में विद्वत समाज में उनका प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, और प्रामाणिक ग्रंथों का ही पठन पठन करना चाहिए और उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिससे आप भ्रम से दूर होते हैं, अगर भ्रम आपको होता है तो आपका भ्रम दूर हो जाता है। तो वेदव्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर बैठे हुए ये चिंतन कर रहे हैं, इन्होंने इतिहासों की रचना की, पुराणों की रचना की, उनके जो शिष्य थे ऋग्वेद का उन्होंने अपने उनको पैल उनके नाम के शिष्य से उनको पढ़ाया और उन्होंने जाकर उसका प्रचार और प्रसार किया। सामगान के विद्वान जैमिनी को ये वेद अभ्यास ने कहा कि तुम सामगान इसका साम वेद का प्रचार और प्रसार करो। अजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशम पायन जी हुए हैं कि जिन्होंने इस प्रकार का ऋग्वेद का चारों तरफ उन्होंने प्रचार किया अजुर्वेद का, और इसके बाद में अथर्ववेद में सुमंत मुनि जो हैं अथर्ववेद के बड़े ही विद्वान हुए। वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को ये चारों वेदों का अध्ययन करापन करा करके और चारों तरफ चारों दिशाओं में जैसे आदि शंकराचार्य ने उस काल में चार मठ बनाए, आदि शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की और दस नामी सन्यासियों की संरचना उन्होंने की, उन्होंने कहा ये सब प्रचार करेंगे धर्म का, बौद्ध धर्म का बोलबाला था उस काल में, लेकिन सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन आचार्यों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि हम इनके ऋणी ऋणी रहेंगे। चार मठों की रचना की और चारों दिशाओं में इस प्रकार से कि हमारे संत जाएंगे और धर्म का सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, यज्ञाज का प्रचार और प्रसार करेंगे, जो हमारे समाज में धर्म के प्रति न्यूनता की वृत्ति आ गई है उसको ये समाप्त करके धर्म के प्रति लोगों को जागृत करेंगे। संतों का काम ये, हमारे आचार्य श्री जी ने उस काल में
यही किया था कि सभी संसों को पारंगत करके योग याद से वैदिक शास्त्रों से उन्हें योग्य बना करके उन्होंने कहा चेतहु नगरी तारो गांव अलग प्रकाशन। इसका अर्थ हो चेतहु नगरी तारो गांव, बोले नगर शहरों को, मेट्रो सिटी जो आपके बड़े बड़े शहर हैं, तो हम जब शहरों में जाएंगे वहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, भक्त गाड़ियाँ दे देते हैं गिफ्ट में, मर्सिडीज दे दी कहीं, कोई गाड़ी दे दी बढ़िया, कोई कैसे भी हैं संत हम देखते हैं उनके शिष्य उन्हें हेलीकॉप्टर प्रदान करा देते हैं। अब ऐसे ऐसे जहाँ आप देखते हैं आकर्षण हैं शहरों में नगर में, कई महात्माओं के पास उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर खरीद रखे हैं, उनका नाम नहीं लेंगे आप जानते हो सब, दूरदर्शन में भी आप पढ़, एक बात बता रहा हूँ। तो नगरों का ऐसा आकर्षण है, उन्होंने सोचा साधु कहीं नगर में ही न रह जाए, नगर के व्यामोह में फंसकर अगर ये साधु रह गया तो जो गांव में जनता रहती है उसका कल्याण कैसे होगा। जय जय श्री राधे। तो हमारे आचार्य श्री जी का नहीं, आप नगरों में भी जाओ, मेट्रो शहरों में भी जाओ, विदेशों में भी जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन गांव में भी जाना। अरे भाई जो कृषक लोग हैं, कृषक किसान, अरे भाई कृष्ण शब्द से ही किसान निकला है, कृषक से ही किसान शब्द निकला है, उसी के सब ये रूप हैं। कृषक हमारी भारत का देश 80% प्रधान कृषि प्रधान देश है, और आज जो हम गेहूं अन्न खा रहे हैं इन किसानों की तो करामात है। अगर ये ना हो और सभी हमारी तरह शहरी हो जाएं तो तुम रोटी कहाँ से खाओ, तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन किसानों को भी आप वो ज्ञान दें, वो विवेक प्रदान करें, जिससे उनकी धर्म में रुचि हो, भगवत वृत्ति में रुचि हो। तो हमारे आचार्य श्री चंद जी ने ये पहला सिद्धांत पर पुष्ट किया। ऋषि लोग समझते थे, आचार्य जानते थे कि इनके ब्याह मोह में कहीं साधु फंस गया तो वहीं रहकर रह जाएगा, इसलिए उनका गांव में भी जाओ इस धर्म में। तो ये साधुओं का कर्तव्य होता था पहले, ब्राह्मणों का भी ये कर्तव्य होता था। ब्राह्मण गृहस्थ में जाते हैं, शांति पाठ कराते हैं, गृह कार्य कराते हैं, आपके और क्रियाकलाप कराते हैं, ये ब्राह्मणों का दायित्व होता है हमारे समाज में, गृहस्थ समाज में। संतों का कार्य ये होता है धर्म की स्थापना करते हैं, कथा कीर्तन सुनाते हैं, तो साधु भी यज्ञ ज्ञात करा देते हैं, बहुत काम आ जाते हैं। दोनों का मेल है, साधु का और ब्राह्मण का, दोनों का मेल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की क्रियाओं के पूरक हैं, साधु और ब्राह्मण। तो वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को इन वेदों का इत्यादियों का ज्ञान कराया और उनको चारों तरफ इस प्रकार से चारों तरफ उन्होंने पढ़ाया और करा, बहुत सारी शाखाएं बन गई इनकी, आगे चल करके शाखाएं बन गई। आप भी देखते हैं परंपराएं, जैसे भागवत की भी परंपराएं बनी, एक व्यास परंपरा ये बनी, एक पाराशर परंपरा भी है, जो भागवत के विद्वान हैं, जो भागवत कथाकार हैं, जो जानते हैं उन्हें इन परंपराओं का ज्ञान है। एक नारदी पद्धति ये कथा चल रही है जिसमें संगीत रखा गया है, इसमें संगीत बजता है, ये सब होता है नारदी पद्धति से करते हैं, पाराशर पद्धति उसकी अलग है। तो सभी इन विद्वानों की परंपराएं, अच्छा जैसे आजकल भी आप वृंदावन वर्तमान काल में देखेंगे, मान लीजिए हमने रामानुज गुरु जी महाराज से श्रीमद् भागवत पढ़ी है, तो उनका सिद्धांत जो वो रामानुज जी थे, रामानुज संप्रदाय से दीक्षित थे, तो जो रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य हुए थोड़ा बहुत कोई इनको सिद्धांत तो अपना रखते हैं, तो उन परंपरा में जो चलते गए वो कहेंगे हम उस परंपरा के हैं, और दूसरे किसी विद्वान से आपने पढ़ी वो अपने सिद्धांत पर हम उस परंपरा के हैं। तो ये परंपराएं गुरुओं से चलती चली जाती हैं, तो ऐसे ही इनमें भी अनेक परंपराएं बनी आगे चल करके, इनमें भी अनेक प्रकार की शाखाएं हुई और उन शाखाओं के भी शिष्य और प्रशिष्य हुए आगे चल करके। अब जो वेद नहीं पढ़ सकते उनका कल्याण कैसे हो, वेद अभ्यास जी के मन में आए, इसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत हमने उस दिन भी बताया, महाभारत एक बृहद रचना है, वेदव्यास जी आद्यो पान जो व्यक्ति इसको पढ़ ले दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की उसे आवश्यकता नहीं, ऐसा वेदव्यास। फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, वे मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करें, मेरे मन में असंतोष है। एक बात और सुन लो, बड़ी सुंदर ये बात है कि व्यक्ति कितने ही शास्त्रों की रचना कर ले, कितने ही विषयों से वो आचार्य हो जाए, कितने ही आप डिग्रियां हासिल कर ले, इससे सिद्ध होता है वेदव्यास की इस
उदाहरण देते हुए कहता है कि फिर भी मानव को संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, आप भौतिक दृष्टि से यशमान हो सकते हैं, कीर्तिमान हो सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अपनी रचनाओं से आप धन मिल सकता है, आपको सम्मान मिल सकता है, आपको मान, ये कहा जाता है षड दर्शनाचार्य हैं, ये कहने में अच्छा लगता है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अंदर से जो आनंदानुभूति है, जो संतोष है, वो उस व्यक्ति के हृदय में नहीं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन कहते हैं महाराज क्या कर, बड़ा असंतोष है जी। तो ये वेद व्यास के संदर्भ से हमको ये ज्ञान होता है कि आदमी व्यक्ति कितना ही रचनाएं कर ले, कितना ही पढ़ ले, कितने ही दर्शनों का आचार हो जाए, पर उसके मन में संतोष नहीं हो सकता। और वेद व्यास जी महाराज के मन में भी यही चिंता थी कि हम क्या करें, ऐसी कौन सी रचना करें। ये तो हमने श्रीमद् महाभारत की इतना बृहद ग्रंथ की रचना करने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ। और व्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर चिंतित बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सरस्वती माता देव नदी है, बुद्धि की प्रदाता है, और उसके किनारे बैठकर वेद व्यास जी के मन में शोक है। तो सरस्वती माता की कृपा से नारद के मन में प्रेरणा हो गई और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण राम नारायण नारायण हर नारायण 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 हरि हर श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। श्री नारद जी महाराज का दर्शन करते ही वेद व्यास जी महाराज स्थान से उठकर खड़े हो गए और दंडवत वंदना प्रणाम किया। अब वेद व्यास जी नारद भगवान का आदर सत्कार उन्हें हम करने दें और हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। तब तक वो भी आराम करेंगे, नारद जी भी, और उनमें वार्तालाप होगा। जो शाम का आपका सत्र आएगा उसमें हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और कथा तो बहुत बड़ी है भैया, और समय हमको भी कभी कभी छोटा लगता है, कथा के बाद समय छोटा लगने लगता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि 4 से 7 तक 3 घंटे बहुत बड़े लगते हैं हमको, लेकिन जब कथा शुरू होती है तो ये बड़े छोटे लगने लगते हैं। जय हो, जय हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं आप कीर्तन करें। गुरुदेव भगवान की संतन के संग लाग रे तेरी अति बने की संतन के संग लाग रे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ताली बजाते हुए तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी
अच्छी बनेगी तेरी बात बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बात बनेगी। संतन के उन संतन के संग संग राज रे, तेरी अच्छी ही बनेगी। बनानी है तो बोलिए, बात बनानी। संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, ओ संतन संग करी पुण्य कमाई। अरे मत जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मत जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बने। हो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंसी बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। आहा कागा से तोहे हंस बनावे, रासे तोहे हंसी बनावे। जय हो। और हे जान भैया हो जाए भव से पार रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो जाए भव तन तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन तन के संग लाग रे, है हो तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोया, मोहन सामे बहुत दिन सोया, मोहन सामे बहुत दिन सोया।